मणिपुर से आने वाली वीडियोस को देखकर हमारे एक प्रेषक ने हमें एक कविता लिख के भेजी है। आइए मैं आप सभी के लिए वो कविता पढ़ती हूं। मणिपुर धधक रहा है, आग, चीख, खून, आंसू, बिछी हुई लाशें, फटता है कलेजा, कांपती है रूह, दिल की धड़कन रुक जाती है। मणिपुर धधक रहा है, शहर जल रहा है, घर जल रहे हैं, आराधनालय जल रहे हैं, आग की रोशनी में भी नेताओं को कुछ भी नहीं दिखता, अंधे बन बैठे हैं। खुली सड़क में द्रौपदियों का चीरहरण, मानवता शर्मसार है। ये भी तो है भारत माता की बेटियां, बेटी बचाओ, कौन आता है बचाने? इस दरिंदगी को देख देश की हर महिला का सर शर्म से झुका है, उन्हें लगता है चीरहरण उनका हुआ है। वे निर्वस्त्र हैं, उनके शरीर को नोचा जा रहा है। जब होता है सामूहिक बलात्कार, होता भारत माता का ही है। दरिंदों को छूट दी गई है, बच्चे भी नहीं बख्शे गए, उन्हें दफनाने को भी जगह नहीं है। चीख, विलाप और रुदन बहरे कानों में पड़ रही है। मणिपुर धधक रहा है, कब तक आंखों में पट्टी बांध कर बैठोगे? कब तक बहरे होने का नाटक करोगे? देश के नेताओं, कब तुम छुपी तोड़ोगे?